हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज बच्चों के लिए कुछ रेसिपी लाए हैं हम, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। बच्चों का भी कुछ हक बनता है, कुछ खट्टा मीठा, कुछ ठंडा खाएं और मनोरंजन करें। तो हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड ठंडा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने एक एप्पल लिया है कटा हुआ, ये बनाना कटा हुआ लिया है, ये कुछ ग्रेप्स हैं ग्रीन, कुछ ब्लैक ग्रेप्स हैं, और ये पिसी हुई चीनी है, ये इलायची है, ये कुछ अनार है, अनार के दाने हैं, ये कुछ मैंगो है, ये एक ऑरेंज है कटा हुआ। तो इसके लिए हम कस्टर्ड बनाते हैं। पहले डालेंगे हम इसमें 1 लीटर हमने लिया है, इसमें दूध डालेंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे। इसमें 3 चम्मच कस्टर्ड डालेंगे, इसको हम ठंडे दूध में फेंटेंगे इसको, जिससे कि कोई इसमें गांठ ना पड़े, आराम से, क्योंकि गर्म दूध में गांठ पड़ जाएगी, ठंडे दूध में पहले से ही इसको फेंट देंगे। देखिए हो गया ये, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इसको चलाएंगे। देखो इस तरह से, इस तरह से डालेंगे थोड़ा थोड़ा इसको। इसमें चीनी भी डालेंगे, इलायची, और चम्मच लिए हमने, ये गाढ़ा हो जाएगा धीरे धीरे, इसको पकाते रहेंगे। गाढ़ा हो गया है, 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम ठंडा होने रख देंगे फ्रिज में, आधे घंटे बाद निकालेंगे। वैसे तो इसको 2 घंटे भी रख सकते हैं, पर आधे घंटे में हम निकाल लेंगे इसको। ये आधा घंटा से ज़्यादा हमने रख लिया है, आप 2 घंटे कम से कम रख सकते हैं इसको, तो अच्छा सा ठंडा हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कैसे बनाना है। ये एप्पल है, बनाना है, ग्रेप, ब्लैक ग्रेप, मैंगो, ऑरेंज, कितना अच्छा बन गया फ्रूट कस्टर्ड। देखिए अब इसको हम सर्व करके दिखाएंगे आपको। ये फ्रूट कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है, और आप लोग खाइए इसको। आपको पसंद आए तो दूसरों को शेयर करिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।